हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे शिवाजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट बायो के चैप्टर 1 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग देखते हैं, तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग देख चुके हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद जो वेजिटेटिव कह लीजिए या ए सेक्सुअल कह लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि आपको जब हम टेबल के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में अवगत कराए थे, तो आपको हम वहां पर बताए थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, वेरिएशन आता है, एंड वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि क्या है, जैव विकास, यानी कि विकास। विकास जब तक नहीं होगा तब तक क्या है कि अस्तित्व कैसे रहेगा प्राणियों का, विकास नहीं तो अस्तित्व नहीं, जैव विकास नहीं तो अस्तित्व नहीं, अस्तित्व ही खत्म हो जाता। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नई प्रजाति बन रही थी वो नई नहीं बन रही थी, बल्कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, इसलिए उसे क्या बोला जा रहा था, क्लोन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्लोन तैयार हो रहे थे, और जब क्लोन तैयार हो गए, और ऐसे ही क्लोन अगर पहले तैयार होता रहता तो आज तो हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं रहता, कुछ रहता ही नहीं पृथ्वी पर, सिर्फ क्या है उन्हीं के क्लोन अब एक दूसरे के बाद, जो पहले जो प्राणी थे उन्हीं के क्लोन तैयार होते रहते। लेकिन जब अस्तित्व ही खत्म हो जाता, इस जीवों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। हुआ कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, एल्गी ले लीजिए और फंजाई ले लीजिए, एल्गी और फंजाई जब जल में होते हैं, एल्गी यानी जल में होता है, फंजाई यानी कि जब मॉइस्चर में होता है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो अपने फेवरेबल कंडीशन में एल्गी और फंजाई क्या होते हैं, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सारी चीज़ें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से तरीके के द्वारा ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है, फेवरेबल का मतलब कि उस प्राणी के अनुकूल, फेवरेबल कंडीशन यानी उस प्राणी के अनुकूल परिस्थिति रहे, पर्याप्त तो मात्रा में भोजन रहे, पर्याप्त टेम्परेचर क्या रहे, समान रहे, पीएच समान रहे, तो वह क्या है कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नॉर्मली। अगर क्या है कोई भी कंडीशन एडवर्स आया, एडवर्स कंडीशन में वो क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो उस समय क्या करते हैं, वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की तैयारी करते हैं। तो वो जो एल्गी है और वो जो फंजाई है, फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगा, ठीक। जैसे उस जिससे क्या हुई, उसकी वैरायटी पैदा हुई, और जब वैरायटी पैदा हुई तो वो अलग अलग कंडीशनों में भी अपने आप को वो सब एडजस्ट करने की क्षमता उनके डेवलप हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जैसे जली है, जल क्या हुआ, सूख गया, जल के सूखने के बाद क्या, अस्तित्व तो ही खत्म हो जाता है एल्गी का, फंजाई का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अपने चारों तरफ सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, एक हार्ड कवरिंग का निर्माण कर लेते हैं, अंदर ही अंदर स्पोर बनने लगता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है यानी कि उनको पानी मिलती है, तो वह भ्रष्ट होकर के स्पोर क्या होते हैं, नए एल्गी को या फिर फंजाई को जन्म देते हैं। ये चीज़ें आप लोग क्लास 11th में डिटेल में पढ़ चुके होंगे, हम समझते हैं इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता हुई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या देता है, वेरिएशन देता है। सेक्सुअल वेरिएशन क्या है, रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी अधिक लगती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, टाइम भी अधिक लगता है, लेकिन क्या है, वैरायटी उत्पन्न होती है। तो वैरायटी जब उत्पन्न होती है तो जो जीनस उत्पन्न होता है वो क्या है कि एक बेहतर क्वालिटी लिए हुए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा जान लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ही जब होगा तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब दूसरी चीज एक आती है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, अगर इसकी परिभाषा ऐसे दे दिया जाए तो और भी बेहतर रहेगा, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और सेम पेरेंट आर अदर, सेम पेरेंट आर अदर, दोनों कंडीशनों में चीजें वही होंगी, सिमिलर पेरेंट रहेगा तो भी और अदर पेरेंट रहा तो भी। अब बात क्या है सिमिलर पेरेंट एंड अदर पेरेंट में, बात कहां से उत्पन्न हो जाती है, सिमिलर पेरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं यानी कि दो अलग अलग, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों के गैमेट्स जब फ्यूज हो रहे हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, 100% आपको क्लियरली पता है। बट हम ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आप सेम पेरेंट आर अदर, अदर सेम पेरेंट अदर पेरेंट यानी मेल फीमेल अलग अलग, लेकिन सेम का सेम में क्या हो जाएगा हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट में आप लोग देखे होंगे, हर्माफ्रोडाइट में क्या है कि आप अखबार में देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि जो सेम पेरेंट होते हैं उसी में क्या होता है, उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही जो प्राणी है उसी में मेल एंड फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन होता है वह भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। दूसरा क्या है, दूसरी जो पॉइंट है, ऑफ स्प्रिंग नॉट एक्चुअली सिमिलर टू इट्स पेरेंट, ये आपका मेन चीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए बताए थे टेबल के द्वारा अलग अलग, तो टेबल में आपको बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्लोन पैदा होते हैं यानी कि जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सिमिलर प्राणी होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो प्राणी ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है वो ऑफ स्प्रिंग सिमिलर नहीं होता है पेरेंट के, सिमिलर नहीं होता है, उसमें कुछ अलग गुण होते हैं, वो भी अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो विकसित हो चुका होता है। ठीक, तो अब ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे हर्माफ्रोडाइट में देख लिए, तो कुछ क्या है कि निम्न जीवों में भी और कुछ उच्च कोटि के जीवों में भी, उच्च कोटि के जीवों में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली पाया जाता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन कुछ निम्न कोटि के जीव हैं जो आपका सेक्सुअल ये सेक्सुअल करते हैं परंतु अनफेवरेबल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं, कुछ हर्माफ्रोडाइट हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, अभी आपको बताया अखबार में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्लांट्स के केस में देख लीजिए कि कई सारे प्लांट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन के क्या है तरीके अलग अलग हो सकते हैं। देखिए जितने भी जीव हैं रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है जो पैटर्न है सारे जीवों में रिप्रोडक्शन का पैटर्न लगभग लगभग सब में समान है, पैटर्न सबका समान ही है, सब में फार्मेशन जैसे भी होता है, गैमेट्स कैसे बनेंगे फिर वह कैसे बनेंगे, स्पर्म कैसे बनेंगे, मेल की बात करें या फिर अन्य किसी भी जीव की बात करें, लगभग लगभग सब में पैटर्न रिप्रोडक्शन का समान है, इसलिए हम ह्यूमन को एक आदर्श मान करके पढ़ेंगे, उस वही केस सब में आता है। और जहाँ तक कि प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात रही सेक्सुअल, तो आपको अभी बताए हैं पिछली वीडियो में कि प्लांट का सेक्सुअल पार्ट फ्लावर है, फ्लावर में बीज पाए जाते हैं वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरल उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डिफरेंट फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से फेजेज आते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, तो देखिए एक जुवेनाइल फेज होता है, जुवेनाइल फेज को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं किशोरा अवस्था या फिर किशोर प्रवस्था, किशोर प्रवस्था होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज किशोर प्रवस्था किसे कहते हैं, बेबी के बर्थ के बाद
मतलब बच्चे के जन्म के बाद उसका विकास जब शुरू होता है तो प्यूबर्टी पाने से पहले, प्यूबर्टी क्या होती है, अब ये सबसे बड़ी क्वेश्चन उत्पन्न हो जाती है। प्यूबर्टी यानी कि जो रिप्रोडक्टिव उसके पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले का जो समय होता है वो होता है जुवेनाइल। जुवेनाइल अब इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। जुवेनाइल को किशोर, आप लोग जानते होंगे कि किशोर की उम्र कितनी होती है, तो बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं आप लोग कि रिप्रोडक्टिव फेज के पहले की जो अवस्था है वही है आपका क्या, जुवेनाइल फेज। यानी कि वृद्धि हो गई है लेकिन रिप्रोडक्शन करने की क्षमता अभी डेवलप नहीं हुई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, शरीर में वृद्धि होगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वृद्धि होगी लेकिन रिप्रोडक्शन करने की क्षमता डेवलप नहीं होगी। रिप्रोडक्शन करने की क्षमता से तात्पर्य है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म नहीं होंगे, जब तक स्पर्म नहीं होंगे तब तक रिप्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं डेवलप होती है। तो बर्थ के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज को प्राप्त करने तक की जो अवस्था है उसे जुवेनाइल फेज या फिर किशोरावस्था बोलते हैं। दूसरा जो आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जनन प्रावस्था होता है। ये जनन प्रावस्था क्या है कि बच्चा अब किशोर हो चुका, यानी कि उसमें वृद्धि हो गई, उसके सारे अंगों का विकास हो गया है, उनमें जो अंग हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो गया है, उसमें स्पर्म का निर्माण शुरू हो गया है, फीमेल में ओवा का निर्माण शुरू हो गया है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि वह रिप्रोडक्टिव अवस्था में आ गया है, यानी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। दूसरी चीज कि ये रिप्रोडक्टिव जो फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। पौधे जो है, आप लोग जब अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कभी एंड्रोसियम पहले क्या हुआ, मैच्योर हो गया, गाइनोसियम बाद में मैच्योर हुआ, एंड्रोसियम बढ़ गया ऊपर, पहले मैच्योर हो गया, उसमें से एंथर क्या हुए, मैच्योर हो गए और पॉलन ग्रेन निकल करके गिर जाते हैं। पॉलन ग्रेन पहले ही फट गए, पॉलन ग्रेन फट करके जब गिरते हैं तो मान लीजिए वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेल गैमेट पहले मैच्योर नहीं हो पाएगा, एंडोसियम, गाइनोसियम बाद में मैच्योर होगा, तो गाइनोसियम क्या है बाद में, गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, एंडोसियम मैच्योर ही नहीं है, तो क्या होगा कि उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की भी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इस प्रकार से चलता है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज प्राप्त करने की जो प्रवस्था है वो अलग अलग पौधों में और अलग अलग जीवों में अलग अलग है। ठीक, कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे बॉम्बू यानी कि बांस के पौधे को देखें, ये जीवन में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्टिव फेज को अपने प्राप्त करता है। जीवन में एक बार रिप्रोडक्ट यानी कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करने का मतलब एक ही बार रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे मनुष्य में आप लोग देखेंगे कि जो बनाया गया है मेल में, मेल थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन उसके पूरे जीवन भर स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, वह रिप्रोडक्शन कर सकता है। यानी कि जब रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त कर लिया तो जीर्णावस्था तक रिप्रोडक्शन कर सकता है, परंतु फीमेल के केस में देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करने के बाद, रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करने के बाद फीमेल क्या है कि लगभग 45 से 50 उम्र में मीनोपॉज हो जाती हैं, यानी कि उसके बाद रिप्रोडक्शन वहाँ पुंगो नहीं कर सकती, वहाँ का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो मीनोपॉज हो जाती हैं। तो ये ह्यूमन में ही देखिए अंतर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि मेल में क्या है कि आजीवन कर सकते हैं, फीमेल में 45 से 50 में मीनोपॉज हो जा रहे हैं। तो दूसरी चीज कि जो इस रिप्रोडक्टिव फेज है जुवेनाइल से, जो रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल पहले ही प्राप्त कर लेती हैं, 10 से 12 साल में फीमेल ही रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन जो मेल है, मेल में क्या है कि 12 से 14 साल लग जाते हैं, 12 से 14 साल में रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करते हैं मेल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अंतर मेल और फीमेल में ही
भी मनुष्य में अंतर दिखाई दे रहा है कि ये लोग अलग अलग अवस्थाओं में रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त भी कर रहे हैं और रिप्रोडक्टिव फेज इनका अलग अलग खत्म भी हो जा रहा है। बम्बू बोले कि बांस जीवन में एक बार रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करता है, यानी एक बार पुष्प आएंगे, एक ही बार जनन करेगा, उसके बाद खत्म। ठीक, याद रखिएगा इसको। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, हूबहू आप लोग इसको रट लीजिएगा। क्या है आपका स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना, स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना को बोलते हैं हम लोग नील कुरंजी स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है रिप्रोडक्टिव फेज में स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना, हिंदी में बोलते हैं इसको नीलकुरंजी। ये जो पहाड़ी इलाके हैं आपके तमिलनाडु कर्नाटका, यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला एक पौधा है जो बहुत ही सुंदर पुष्प देता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, पर्यटन के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। जब ये पुष्प इसके निकलते हैं तो पहाड़ी इलाकों में पर्यटन का मतलब पर्यटक जाते हैं उसको देखने के लिए, बहुत सुंदर पुष्प होता है। स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना, क्या नाम है, स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना, हिंदी में बोलते हैं नीलकुरंजी जो भी आप जैसे भी बोल पाए। ये जो पौधा है ये 12 वर्ष में एक बार रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करता है, यानी कि इनमें जो फ्लावरिंग होगी वो फ्लावरिंग 12 वर्ष में एक बार होगी। बांस में जीवन में एक बार फ्लावरिंग होगा। इस स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना नीलकुरंजी में 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग होगी, बड़ी सुंदर फ्लावर आते हैं, इसीलिए पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में बहुत दे रखा है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इस स्क्रोबिलेंथस कुर्थियाना नीलकुरंजी 12 वर्ष में एक बार रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करता है, एक बार इसमें फ्लावर्स आते हैं। ठीक, वो याद रखिएगा। तो आप लोग फेजेस देख लिए, डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जुवेनाइल फेज यानी कि किशोर का अवस्था यानी बर्थ हो जन्म के बाद कि जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बीच की जो अवस्था होती है जुवेनाइल फेज है, और रिप्रोडक्टिव फेज क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव फेज में यानी कि जनन अवस्था है, जनन अवस्था यानी कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गए और रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो डेवलप हो गई, अब इसे क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है, आपको बता दिए कैसे कि एक मेल में, एक मेल जो है कि जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज 12 से 11 साल में प्राप्त, 10 से 11 साल में, और फीमेल वही 12 से 14 साल, मेल वही 12 से 14 साल में प्राप्त करता है। बम्बू में बांस में जीवन में एक ही बार आता है रिप्रोडक्टिव फेज, और इसको बिलेटस कुर्थियाना नीलकुरंजी में कितना है 12 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज है आपका सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज क्या होता है, जीर्ण अवस्था, जीर्ण शीर्ण अवस्था, एकदम लुंड खत्म, जीर्ण अवस्था ये होता है। जीर्ण अवस्था का मतलब होता है वृद्धावस्था, समझ लीजिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज आपका खत्म हो चुका होता है, शरीर के हड्डियाँ क्या होती हैं कमजोर हो चुकी होती हैं, इस अवस्था को क्या बोलते हैं जीर्णावस्था। ये तीन चीज़ें हैं पूछी जाती हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इसको वो याद रखिएगा। अब देखिए कि ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी जान लिया आप लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि इन्वॉल्व मेल और फीमेल, क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स सेम पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, अदर पेरेंट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ये भी आपको बता दिए। अब इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है, यानी क्लोन इसमें नहीं बनता है, क्लोन किसमें एसेक्सुअल में बनता है। क्लोन किसे कहते हैं, जो जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सेम टू सेम होते हैं उन्हें क्लोन बोलते हैं, समझ में आ गया। डिफरेंट फेज आपको बताए हैं कि भाई जितने भी जीव हैं बहुत डाइवर्सिटी पाई जा रही है, लेकिन कुल मिला जुला अगर बात किया जाए तो जो पैटर्न है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सब में एक ही तरह का होता है। तो पैटर्न कौन सा है आपका, पैटर्न यानी कि जो फेज आते हैं रिप्रोडक्शन के वह तीन फेज हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनिसेंट फेज, तीनों फेज हम लोग पढ़ लिए। अब जो पैटर्न है रिप्रोडक्शन करने का, इवेंट जिसे बोल सकते हैं हम, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट आएंगे, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, देख लीजिए। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले आप लोग देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट,
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक चीज आप लोगों को बता दें कि आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और जो चीजें हैं उसको नोट डाउन करते रहिए। इवेंट्स में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पहला आपका है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फ्यूजन होने से पहले गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन ही क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। ये गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है आपका? ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस किसमें होगा? फीमेल में होगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस वो किसमें होगा? मेल में होगा। ऊजेनेसिस के द्वारा क्या बनता है? ऊजेनेसिस के द्वारा बनता है आपका एग, ओवा। और इस पर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या बनता है आपका? इस पर। और ऊजेनेसिस के द्वारा क्या बनता है आपका? ओवा। ये भी यंग होता है और ये भी क्या होता है? यंग होता है। ऊजेनेसिस के द्वारा ओवा बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनता है, स्पर्म सेल, इसे स्पर्मेटोजोवा बोलते हैं, स्पर्म सेल, इसे स्पर्मेटोजोवा बोलते हैं। तो ऊजेनेसिस से ओवा बनता है और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है। अब क्या है कि ये दोनों चीजें बन गई, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है, ये दोनों चीजें बन गई। अब इनके बनने के बाद क्या होगा? गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा? दूसरी चीज जो है इसमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, नोट करते जाइएगा इसको। तो गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में होता क्या है आपका? माइटोटिक डिवीजन होता है, डिवीजन के द्वारा टू यन से क्या होता है, यन और यन अलग अलग ओवा बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इन चीजों को हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ इसको जानिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, डिटेल में आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, घबराइएगा मत। तो गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का, ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के द्वारा हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद क्या है आपका? गैमेट का ट्रांसफर है। गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा? गैमेट देखेंगे, अगर स्पर्म को देखेंगे तो स्पर्म जो होता है वो स्पर्म सेल आपका मोटाइल स्ट्रक्चर है। स्पर्म सेल कैसा है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ये मोटाइल होता है। और ये जो ओवा है आपका, ये ओवा जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ओवा आपका नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल है। ओवा में देखिए इसका जो साइज होता है ओवा का, स्पर्म के तुलना में 1000 गुना बड़ा होता है। ये ओवा स्पर्म के तुलना में 1000 गुना बड़ा होता है और इसमें न्यूट्रिएंट भरे रहते हैं।
पूरे न्यूट्रिएंट ओवा में भरे रहते हैं। जब फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवा का, तो स्पर्म के पास कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ये न्यूट्रिएंट्स अपना त्याग देता है। न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है किससे? इसी से प्राप्त करता है, ओवा से ही अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है। इसलिए ओवा तो क्या है कि फीमेल में जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ओवरी, वहाँ पर पड़ा रहता है फैलोपियन ट्यूब में, इंतजार करता है स्पर्म का। इजेकुलेशन के बाद स्पर्म क्या होता है, ओवा के पास जाता है और जा करके दोनों का फ्यूजन होता है। ये हो गया है आपका गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के बाद आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट दूसरा है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है आपका कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। दोनों गैमेट्स का आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा। टू गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट टूयन का निर्माण होता है। कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल जाइगोट का निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार है इसके, इसको देख लीजिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसका दूसरा जो काइंड है वह है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका पाया जाता है जैसे जो जली जीव है, जली जीव में देखेंगे कि वो करते क्या है, अपने एम्फीबियंस जैसे मछलियाँ हो गई, मेढक हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, एम्फीबियंस यानी कि मछलियाँ नहीं है, एम्फीबियंस तो मेढक है, टोड है या और मछलियाँ भी, ये सब करते क्या है कि अपने जो गैमेट्स होते हैं, चाहे मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या होता है कि ये पानी के अंदर ही छोड़ देते हैं। पानी के अंदर ही क्या करेंगे, धीरे धीरे निकलता रहेगा, पानी के अंदर छोड़ देंगे और वो तैरता हुआ जाएगा। उधर से फीमेल गैमेट्स भी अपना फीमेल गैमेट छोड़ दिया है, तैर रहा है, तैरते हुए जाएंगे। आपस में जब फ्यूजन होगा दोनों का, तो फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया आप स्प्रिंग का निर्माण वहाँ पर होगा। होता क्या है, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है इसमें गड़बड़ी क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स बन रहे हैं, उस गैमेट्स के ऊपर जो होता है वो वाल जो होती है, वाल बहुत पतली वाल होती है, कवरिंग नहीं होती है, तो वह जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। दूसरी कमी कि जो जलीय जीव हैं उनके जो गैमेट्स हैं उनको खा जाते हैं। तीसरी चीज़ कि उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसलिए गैमेट्स को क्या त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं एक आध दो गैमेट्स का फ्यूजन आपस में हो पाता है। तो मेल अपना पानी में ही मेल अपना गैमेट छोड़ देगा, फीमेल अपना गैमेट छोड़ देगा, तैरते हुए जाके कहीं जाके आपस में मिलेंगे, फ्यूजन होगा, नए निर्माण होगा नए जीव का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स में होता है, मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, ये देखे हैं आप लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन को।
जानते हैं अच्छी तरीके से, यानी कि जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे आपको बताया इजेकुलेशन के द्वारा स्पर्म ओवा के पास माता के शरीर में जाएगा, वहाँ उसको फर्टिलाइज करके जायगोट का निर्माण करेगा, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। हिंदी में बोलते हैं इसे बाहरी निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं आंतरिक निषेचन, याद रखिएगा इसे। अब इसके बाद आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीसरी जो चीज है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म ओवा दोनों फ्यूज हो चुके हैं, जायगोट बन चुका है, अब इसके बाद क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो जायगोट का निर्माण होता है, कैसे, स्पर्म सेल और प्लस ओवा के द्वारा बनता क्या है आपका जायगोट। स्पर्म और ओवा के द्वारा क्या बनता है जायगोट, कैसे बनता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका दूसरा जो चीज है, ये क्या है आपका जायगोट। तीसरा जो है दूसरा है सॉरी इम्ब्रियो जेनेसिस, यानी कि इम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है। इम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, ये जो जायगोट है हमारा, जो जायगोट बना हुआ है, इस जायगोट में स्पर्म का न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इसको मान लीजिए ये ओवा का न्यूक्लियस है। इस जायगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद ये दोनों दो भागों में बटेंगे, ठीक। फिर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, इसमें क्लीवेज होता है, और माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के बाद इसमें फॉर्मेशन होता है, किसका, इम्ब्रियो का। लगातार इसमें क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के बाद, लिख सकते हैं डायरेक्टली आप लोग, माइटोटिक डिवीजन और प्लस क्लीवेज। डिटेल में इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाएगा। माइटोटिक डिवीजन और क्लीवेज के बाद फॉर्मेशन होता है किसका, इम्ब्रियो का। इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले इस जायगोट से बनेगा आपका, पहले जायगोट से बनेगा आपका मारूला। वह मारूला जो होता है 3 से 4 दिन तक उसी ओवरी से ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस में घूमता रहता है। यूटेरस के पास उस समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वे न्यूट्रिएंट इसको मिलते हैं, जायगोट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाता है, हल्के से रफ फिगर के द्वारा आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या होता है, कि जब यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है, जायगोट बन गया, तो जायगोट का फिर फॉर्मेशन होता है किसमें, मारूला में फॉर्मेशन होता है। मारूला जो होता है वह सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये इस यूटेरस में, ये यूटेरस है आपका, इस यूटेरस में क्या होता है, घूमता रहता है। न्यूट्रिएशन जब पाता है तो इसमें बनता क्या है, इससे बनता है गैस्टूला। गैस्टूला बनता है, गैस्टूला के बाद ब्लास्टूला पहले बनता है, सॉरी ब्लास्टूला के बाद क्या बनेगा, गैस्टूला। गैस्टूला में गैस्टुलेशन होगा, तो गैस्टुलेशन होने के बाद ही क्या होगा, वह इससे जो यूटेरस की दीवार है, इस दीवार से आकर के चिपक जाता है, इस दीवार से आकर चिपक जाएगा, और चिपकना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जब यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो यानी कि अब लगातार इसमें क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन होगा, और बेबी का बनना, यानी कि बर्थ, बेबी का जो फॉर्मेशन होगा शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें क्या बनता है, जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें सबसे पहले बनता है नर्वस सिस्टम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनता है,
और सबसे बाद में क्या बनता है बच्चे में, रेस्पायरेटरी सिस्टम बनता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम बनता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसीलिए देखे होंगे आप लोग, जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, बच्चा अगर प्री मैच्योर पैदा होता है, यानी कि जो 9 महीने का टाइम है, 9 महीने से पहले 7 महीने 8 महीने में पैदा हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं रेस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, सही से सांस नहीं ले पाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है प्री मैच्योर बच्चे को, क्योंकि यह सबसे बाद में बनता है। और जब प्री मैच्योर बच्चा रहेगा तो रेस्पायरेटरी सिस्टम का विकास कम्प्लीटली नहीं हो पाया रहता है। ठीक, अब ये आपका इम्प्लांटेशन तक हो गया, इसको आप लोग समझ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फेजेस कितने, 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेशन फेज, सेनिसेंट फेज। फिर उसके बाद आपका क्या है कि इवेंट्स कितने हैं, 3 इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा हम लोगों ने, गैमिट का फॉर्मेशन यानी गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस में क्या है, ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस के द्वारा ओवा बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म बनेगा, फिर गैमिट का ट्रांसफर होगा, स्पर्म ओवा के पास जाएगा, चूंकि स्पर्म मोटाइल होता है, ओवा नॉन मोटाइल होता है, ओवा के पास फूड मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, स्पर्म उसके पास जाता है, उसी से न्यूट्रिएंट लेता है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद क्या है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल दो मेट्स का दोनों का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट का निर्माण हो गया मेल एंड फीमेल के दोनों के परमानेंट फ्यूजन के द्वारा। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जायगोट में क्लीवेज होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, उससे क्या बनेगा, मारूला से फिर क्या बनेगा, ब्लास्टुला से आपका गैस्टुला बनेगा, और गैस्टुला से क्या, गैस्टुला में गैस्टुलेशन के द्वारा जब गैस्टुलेशन होता है तो गैस्टुलेशन के बाद क्या बनता है आपका, 3 लेयर बनता है, 3 लेयर। गैस्टुलेशन के बाद क्या बनता है, इसको सॉरी छोड़ गया था, गैस्टुलेशन के बाद उस गैस्टुला में, गैस्टुलेशन के बाद जो बनता है 3 लेयर बनता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और तीसरा है इंडोडर्म। ये 3 लेयर बनते हैं किसके द्वारा, गैस्टुला में गैस्टुलेशन होने से ये 3 लेयर बनते हैं यूटीएस के अंदर, और इन्हीं तीनों लेयर से पूरे बेबी का विकास होता है, शरीर के अलग अलग भागों का विकास होता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद एक छोटी सी टॉपिक है, इसको समझते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद यह चैप्टर आपका टोटल फिनिश हो जाएगा। मैमेलियन साइकिल क्या है, मैमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल। मैमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल लास्ट टॉपिक है छोटा सा। मैमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वह 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, नॉर्मली अगर हम लोग प्राइमेट्स में बात करेंगे तो वहां पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली प्राइमेट्स की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करेंगे तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल न होकर ईओस्ट्रस साइकिल होता है। देखिए इसके रिटर्न पे मत जाइएगा, कहीं ओस्ट्रस साइकिल लिखा होता है, कहीं से ओस्ट्रस साइकिल लिखा होता है, कहीं पर ई ओस्ट्रस साइकिल लिखा होता है, कहीं पर ई लगा होता है, कहीं पर ई नहीं भी लगा होता है। तो ये ईस्ट्रस साइकिल किस में चलता है, नॉन प्राइमेट्स में चलता है,
नॉन प्राइमेट्स में चलता है, नेचुरल साइकिल किसमें चलता है, प्राइमेट्स में चलता है। नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं, नॉन प्राइमेट्स आप लोग जानते हैं कि नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं, नॉन प्राइमेट्स आपके होते हैं काऊ, रैट, कैट, डॉग, ये सब क्या है, नॉन प्राइमेट्स हैं। इनमें स्ट्रेस साइकिल चलता है, वो स्ट्रेस साइकिल चलता है। स्ट्रेस साइकिल में होता क्या है यूं समझिए, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चलता है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स कौन है आपके, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोग जानते हैं ये 28 से 30 दिन का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। इसमें 5 दिन तक क्या होते हैं कि जब फॉलिकल सेल जो होते हैं वो पूरी वृद्धि जब कर जाते हैं तो शरीर से बाहर निकलते हैं। पूरी प्रक्रिया आप लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस इतनी जानिए फॉलिकल सेल बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, दीवार के टूटने से तो एंडोमेट्रियम से क्या होते हैं, निकलते हैं आपके फॉलिकल सेल जो निकलते हैं वहाँ तो ब्लीडिंग होती है, शरीर से बाहर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। यहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, यानी कि शरीर से खून निकलता है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें, प्राइमेट्स में। बट वो इस तरह साइकिल चलता है नॉन प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम का जो दीवार है, इंडोमेट्रियम की जो लेयर है, उस इंडोमेट्रियम की लेयर क्या होती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है शरीर के द्वारा, यूटेरस की दीवार के द्वारा, बॉडी के द्वाररा इंडोमेट्रियम की लेयर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ब्लीडिंग शरीर से होता ही नहीं है। तो इस तरह साइकिल होते, साइकिल तो इसमें भी चलता है नॉन प्राइमेट्स में भी, लेकिन इनमें ब्लीडिंग नहीं होता। हाँ कुछ में ब्लीडिंग होता है लेकिन मैक्सिमम में ब्लीडिंग नहीं होता है। रैट में, काऊ में, कैट में, डॉग में, सब में चलता क्या, ओइस्ट्रस साइकिल चलता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। इंडोमेट्रियम की लेयर क्या हो जाती है, इंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी के द्वारा, इसलिए इसमें ब्लीडिंग नहीं होता। दूसरी चीज कि ये जो होता है, ये इनमें इस तरह जो साइकिल जिसमें चलता है नॉन प्राइमेट्स में, इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्शन कब करते हैं, ये रिप्रोडक्शन के हीट पानी पर करते हैं। कब करते हैं, जब ये हीट होते हैं, हीट होने पर, यानी बॉडी जब इनकी हीट होगी तो बॉडी के हीट होने पर ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। बॉडी के हीट होने पर रिप्रोडक्शन ये करते हैं, बॉडी हीट नहीं तो रिप्रोडक्शन ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में और नेचुरल साइकिल प्राइमेट्स में। ये आपका लास्ट टॉपिक था और रिप्रोडक्शन आपका लगभग खत्म हो गया। अब इस रिप्रोडक्शन में आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, कितने प्रकार का है, ए सेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी आप लोग पढ़ चुके, कितने प्रकार का है ये भी आप लोग पढ़ चुके। इसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो को सीरियल वाइज आप लोग देखिएगा, देखने के बाद होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क प्रॉपर करके इसको भेजिएगा। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, चाहे रमेश गुप्ता के, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पर जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग ग्रुप में पूछिएगा, पर्सनल मेरे नंबर पर पूछ लीजिएगा, तो उसके आंसर आपको तुरंत आपको आंसर दे दिए जाएंगे। जो भी दिक्कत है इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, जो भी दिक्कत है पूछिएगा, आंसर आपको तुरंत देंगे। थैंक्स।